झारखंड राज्य में सभी क्षेत्रों में एक एक करके नियुक्तियां हो रही है। ऐसे में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2550 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया था। इस वक्त इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ कैबिनेट मंत्री सत्यानंद भोक्ता मौजूद है। बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नियुक्तियाँ पत्र बांट रहे हैं, लेकिन ऐसे में कई ऐसे अभ्यर्थी है जो आस लगाए बैठे हैं कि उनकी नियुक्तियाँ कब होगी। आप बताइए उनकी नियुक्तियां कब होगी। देखिए, सरकार गंभीर और संवेदनशील है और हम लोगों ने कई विभाग के कई नियुक्तियां किए हैं और अभी भी बहाली अभी निकली हुई है, जिससे भी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, श्रम परिवर्तन पदाधिकारी, CDPO की सचिवालय, इसके साथ लगभग शिक्षा के भी बाहर निकला हुआ है। तो जो सरकार के मापदंड है, जो संसाधन है, इसमें हम लोग 17,572 शिक्षक पहले नियुक्ति दिए, फिर खेल स्टेडियम में 3469, पंचायत सचिव को करीब 2550 लिपिक लेकर के, JPSC में 252, वैज्ञानिक को 129, गैर सरकारी में हम लोग मोराबादी में 11,000 युवा ज्योति रोजगार जोड़ने काम किए। तो जो सरकार का मामदन है, हम लोग काम कर रहे हैं, बहाली भी हो रही है और नियुक्ति भी दे रहे हैं और अभी वैकेंसी निकला हुआ जो फार्म से लोग भर रहे हैं। शिक्षकों की नियुक्ति की बात सामने आ रही थी कि 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, कब तक होगी? क्योंकि पिछले साल से ये बात आ रही है और तमाम जो शिक्षक बनने का सपना लिए आगे बढ़ रहे अभ्यर्थी, उनका कहना है कि आखिर कब हम लोगों की इंतज़ार की घड़ी खत्म होगी। देखिए, अभी तो 3469 फिलहाल हम लोग दिए हैं। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। यहाँ लॉकर और कॉस्ट्यूम का कोई चार्ज नहीं, साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, हजाम, रांची। महीना भी नहीं हुआ है और अभी फिर 25,000 का फिर नंबर लगा हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि जितना महाविद्यालय है और उच्च विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय है, मध्य विद्यालय, सभी विद्यालयों में शिक्षक की जो कमी है वो सभी सरकार रिक्त पद को भरने काम कर रही है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि राज्य में अगर कोई भी वैकेंसी आती है वो फंस जाता है, कोर्ट तक पहुँच जाता है, जितने भी झारखंड के स्टूडेंट हैं वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, ऐसा नौबत क्यों आ जाता है? देखिए, पद है 100 और करीब 1,00,000 एप्लीकेशन है, तो 100 लेना है तो सबको तो हम मेरिट में है, कोई कराने अनमेरिट लग हो गया तो कुछ कन्फ्यूजन होता है, तो कहीं ना कहीं नया ले जाना ही पड़ता है। जैप के भी अभ्यर्थी आपके पास मुलाकात करने के लिए पहुंचे, लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, सेकेंड मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे, कब तक आएगा सेकेंड मेरिट लिस्ट, क्योंकि सबका एज भी पार हो रहा है? आज कैबिनेट है, इस विषय पर होम सेक्रेटरी और माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे और प्रयास करेंगे जितना जल्द निकले। देखिए, राज्य में रोजगार मेला तो लगातार लगाया जा रहा है, अगले बार रोजगार मेला कब तक लगाया जाएगा? क्योंकि आस लगाए अभ्यर्थी तो बैठे रहते हैं कि हम लोग एग्जाम दिए हैं, हम लोगों की नियुक्ति कब होगी, कब तक लगेगा? फिर से मुख्यमंत्री कब सौगात देंगे? हम लोग तैयारी चल रहा है इस पर, मतलब जितना जल्द प्रमंडल स्तर पर हम लोग नियुक्ति देने जा रहे हैं, इसके लिए पदाधिकारी सब होमवर्क जारी कर दिया है। लेकिन जो वैकेंसी निकाला जाता है उसको लेकर भी स्टूडेंट का कहना है कि आखिर किस आधार पर यहाँ पर नियुक्तियाँ होंगी, नियोजन नीति ही नहीं है राज्य में, ना ही स्थानीय नीति। देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अन्य राज्यों में जो बहालियाँ हो रही है वहाँ भी पता कर लीजिए, और झारखंड में जो नियुक्तियाँ हो रही है, पहले जो नियम था वही नियम के तहत बहाली हो रहा है। लेकिन इसमें लोगों का कहना है कि ज़्यादातर तो बाहरी लोग आ जाएंगे झारखंड में, तो सरकार को लॉक करने की ज़रूरत है ना फिलहाल यहाँ पे, ताकि झारखंड के तमाम अभ्यर्थियों की यहाँ पर नौकरी हो। अच्छा, इसके लिए होमवर्क जारी है, बहुत जल्दी लॉक होगा। तो आपने सुना कि सत्यानंद भोक्ता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जल्द ही अभ्यर्थियों की नियुक्ति यहाँ पर होगी, सरकार प्रतिबद्ध है, साथ ही साथ जो लॉक की बातें अभ्यर्थी कर रहे हैं उसको लेकर होमवर्क किया जा रहा है, आने वाले समय में तमाम चीज़ें स्पष्ट भी हो जाएगी। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी नितिन के साथ करिश्मा सिन्हा, News24 रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल, हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और कुछ उसको ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं।
टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।